पेरेंट्स नूं 12 बजे तो लैके 4 बजे तक जो पीक आवर हुंदे ने कढ़ना नहीं चाहिए घरों बाहर। पानी पीने वाला बिल्कुल साफ शुद्ध आर ओ का पानी हो या बॉयल्ड वाटर हो, छोटे बच्चों वास्ते ज़्यादा वधिया, कीटाणु सारे मर जाते हैं पानी के। पिछले दिन पंजाब दे विच मौसम की बड़ी वड्डी तब्दीली आई है, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिता गया। तापमान वध्या, तापमान वधन तो बाद जिहड़ा हैगा बीमारियां वधन का खदशा पैदा हो चुका है। साडे नाल सरकारी हॉस्पिटल बठिंडा दे डॉक्टर रविकांत मौजूद ने, गलबात करदे उहनां नाल वी की समस्यावां जिहड़ियां हैगियां गर्मी वधन नाल सामने आ सकदियां। स्वागत है डॉक्टर साहब। हाँ जी, वेलकम जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे, जिस तरह येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, बच्चों के बजुर्गों को किसी समस्या आ सकती है? पिछले दिन जिवें पता कि 7-8 दिन हो गए गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया, तापमान 45, 46, 47 चल रहा है। इन्हां दिनों के ज़्यादातर आप टट्टियाँ उल्टियाँ की डायरिया वॉमिटिंग के केसिस ज़्यादा आ भी रहे हैं साढ़े को बच्चों के, तो हीट स्ट्रोक का केस अजे तक कोई आया नहीं, लेकिन पॉसीबिलिटी है भी जेकर टैंपरेचर 50 डिग्री टच करता है तो कोई ऐसा हीट स्ट्रोक का केस भी आ सकता है। जिस हीट स्ट्रोक का मतलब है भी गर्मी के नाल बच्चा कोई या बजुर्ग कोई बेहोश हो सके डिग सकते हैं, वह तो ब्लड प्रेशर वगैरह घट जाता है ज़्यादा हीट स्ट्रोक नाल, है ना, तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो उस करके बेहोशी का अटैक हीट स्ट्रोक कह दें आप। तो टट्टियाँ उल्टियाँ के केस तो आ ही रहे, पीलिए के जॉन्डिस के हैपेटाइटिस के केस आ रहे हैं, इंटेरिक फीवर टाइफाइड फीवर के केस आ रहे हैं साढ़े को, इन्हों दिनों कॉमन वायरल के केसिज आ रहे हैं, खंघ जुकाम गला खराब हो गई, बच्चे आम तौर पर एसी चो बाहर निकल गए, ठंडा गर्म खा लिया, कोई ठंडी चीज़ खा ली, कुल्फी खा ली, उस करके भी गला खराब हो जाता, बच्चों का खांसी हो जाती है, इदा के केसिज फीवर के हाई ग्रेड फीवर के केसिज आ रहे हैं। मतलब अजे बाकी हौली हौली जिवें बारिश का मौसम होएगा तो उदा बीमारियाँ वधनगियां, जिवें टट्टियाँ उल्टियाँ की बीमारी, कोई पानी भी मिक्स हो जाता है बारिश का पानी। जिवें इन दिनों के देखा गया कि शरीर का तापमान आम सूरज की रोशनी सीधी सिर पर डिगदी है बच्चों के, तापमान बॉडी का भी इनक्रीज़ हो जाता, तो इन दिनों आम तौर पर साडा पहला सुझाव तो यही है कि पेरेंट्स नूं 12 बजे तो लैके 4 बजे तक जो पीक आवर हुंदे ने उहदे विच स्कूल कढ़ना नहीं चाहिए घरों बाहर, ता ही स्कूल दे भी छुट्टियां भी पेरेंट्स टीचर्स कर देंगे है या मतलब स्कूल दे एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगी, इन दिनों पंजाब गवर्नमेंट की भी छुट्टियां चल रही ने। कारण मेन यही होंगे कि बच्चों 12 तो लैके सवेर के दोपहर के 4-5 बजे तक ना कढ़िया जाए, उस नाल बच्चे के तापमान बॉडी का इनक्रीज हो जाता है, जिस करके बच्चे का बुखार हाई ग्रेड फीवर के चांसिज होंगे, बच्चे के बेहोशी हीट स्ट्रोक के चांसिज होंगे। तो सब तो पहला सुझाव यही है मेरा कि बच्चों कोशिश करो कि दिन के टाइम पीक आवर के 12 तो लैके 4-5 बजे तक शाम के बाहर ना कढ़िया जाए, जे कढ़ना भी पैंदा तो 4-व्हीलर च लैके जाया जाए, और सिर पर गिला कपड़ा, जे 2-व्हीलर पर भी लैके जाए तो सिर पर गिला कपड़ा या गिला रुमाल सिर पर रख के या बाहां ते सिर पर रख के लैके जाया जाए, ताकि जो बॉडी टैंपरेचर वध ना सके। और सैकेंड लिक्विड डाइट तरल पदार्थ आ, नींबू पानी, शिकंजमी वगैरह होगी, है ना, जूसिस जिवें मौसमी जूस हो गया, ORS सल्यूशन हो गया, इदां दी चीज़ां ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के डीहाइड्रेशन के पानी की कमी के चांसिज वध जाते हैं, जिस करके मतलब पानी की कमी होने करके ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है, तो बेहोशी वगैरह बच्चों को हो सकती है। तो डीहाइड्रेशन को बचने वास्ते लिक्विड डाइट का इस्तेमाल की ज़्यादा असं सुझाव दें पेरेंट्स को। इन्हां दिनां च खाण पीन भी बदल जाता जी, परहेज किन्हां चीज़ों का करना चाहिए? परहेज तो इन्हां चीज़ों के बाहरली चीज़ देखो, रेहड़ी वेंडर्स से जो मिल रहा समान, कोई मोस्टली इनफेक्शन के चांसिज गर्मी के बैक्टीरियल इनफेक्शन के बहुत ज़्यादा वध जाते हैं, उस करके बच्चों टट्टियाँ उल्टियाँ लगन के पीलिया होने के टाइफाइड होने के चांसिज ज़्यादा होंगे ने। तो ये सारी बीमारियाँ एक तो हैंड वॉशिंग ना करन करके कि गंदे हाथ होंगे बच्चों के, पसीना आता गर्मियों के, उस करके हैंड वॉशिंग का सुभ्यास दिन बार बार करनी चाहिए है। सैकेंड, पानी पीने वाला बिल्कुल साफ शुद्ध आर ओ का पानी हो या बॉयल्ड वाटर हो, छोटे बच्चों वास्ते ज़्यादा वधिया, कीटाणु सारे मर जाते हैं पानी के, पानी की बीमारियां बहुत फैलदिया ने। थर्डली ये है भी जिहड़े भी रेहड़ी दे पदार्थ है ओपन मार्केट खुले पए ने, जिन्हां दी मिट्टी वगैरह लगती है ज़्यादा और ज़्यादा पसीना वगैरह डिगन के चांसिस होंगे कोई रेहड़ी वेंडर्स के, वो नहीं खाने चाहिए। जिथे जाना भी है तो बाहर अच्छे रेस्टोरेंट के ढके हुए पदार्थों को खाना चाहिए, वो जिहड़े ओपन खुले पदार्थ ने जिन्हां करके इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बाहरली चीज़ों का वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, असं सुझाव ही दिंदे आ घर का बनया खाना ही बच्चों को इन्हां दिनां देना चाहिए। थोड़े को ठंडी चीज़ हैगी है कोई रुमाल वगैरह ठंडा पानी का लै, आम नॉर्मल वाटर का रुमाल लैके या कोई आम
तौलिया लैके सिर पर स्पंजिंग करनी टैपिड स्पंजिंग कहने वो स्पंजिंग शुरू कर देनी चाहिए है। ईवन कि जो नहीं भी अवेबल अवेलेबल तो पानी के टप नॉर्मल टैंपरेचर से जो पानी हों उस टप के आप बिठा भी सकते हैं सिर पर शावर भी कर सकते हैं पानी का वाटर का वह कारण एको हों कि जल्दी तो जल्दी टैंपरेचर बॉडी का घटाया जाए नॉर्मल टैंपरेचर जो बॉडी का 37 डिग्री सैलसीयस के नेड़े तेड़े होंगे वो नेड़े तेड़े टैंपरेचर किया जाए तो जो कि बच्चे हीट स्ट्रोक के चांसिज के नुकसान जो हीट स्ट्रोक नुकसान होंगे ब्रेन या वाइटल ऑर्गनस बॉडी के घट घट मात्रा में हो सके ना हो सके नुकसान। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब होर लोगों को सुझाव देना चाहोगे तुसीं? होर तो बस यही है भी गर्मी के दस ही दिता कि गर्मी के बाहर ना कढ़िया बच्चों को खाण पीन वाली चीज़ों का रेहड़ी वाली कुल्फिया वगैरह कोई रेहड़ी का समान वगैरह जो गोलगप्पे वगैरह या कोई होर समान ना खाया जाए हैंड वॉशिंग बार बार बच्चों की इन दिनों करनी चाहिए है और तरल पदार्थों का शिकंजवी नींबू पानी वगैरह के इस्तेमाल ORS का ज़्यादा करना चाहिए है और इन इस तो अलावा वन मोर थिंग है कि बच कोशिश करना चाहिए कि वो तो वह आले दुआले बच्चे जिते खेड रहे हैं उत्थे सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए है। सो इस सीनियर डॉक्टर डॉक्टर रविकांत जिन्होंने दसिया भी अगर गर्मी की लपेट के आ भी जाने हो तो उन्होंने किस तरह जोड़ा है बचा जा सकता है बच्चों किस तरह बचाया जा सकता है बुजुर्गों को किस तरह मौसम जोड़ा एकदम तब्दीली तो बाद टेंपरेचर एकदम बढ़िया जिस कारण लोगों को हूँ इस गर्मी तो बचा कर ली जो हदायत ने डॉक्टर साहबान दियाँ मनिया जानी चाहिए। ETV भारत लिए बठिंडा तो मनदीप गोसल की रिपोर्ट।